आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तालाब संचलम कॉर्पोरेटर। आज शाहजहां फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम मुंतखब किया गया है, जहाँ पर मोइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से पूरा बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है और बच्चे पूरे कुरान शरीफ और दुआ शरीफ पूरा पढ़ के हमारे जो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब है और इम्तियाज जलील साहब और अख्तरुल ईमान साहब सब के लिए जो ना कामयाबी के लिए दुआ करे। तो हम जमात की तरफ से मोइन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और ये बच्चों को भी ये भी दुआ गो है कि इंशाल्लाह बच्चे हमारे लिए दुआ करें, जमात की कामयाबी के लिए दुआ करें। सबका शुक्रिया। खुदा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सदर इफ्तदाई मजलिस मोइन कंस्ट्रक्शन मेरी जानिब से आज शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टे में मदरसे के तालाब कट्टे के जितने भी दीनी मदरसे तमाम बच्चों को बुला के यहाँ पर आयत करीमा और कुरान खानी का दस्तर बिछाया गया है। ये दस्तर बिछाने का मकसद ये एक ही था, हमारे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हैदराबाद की एमपी सीट से शानदार कामयाबी होने के लिए हम लोग ने आज शाहजहां फंक्शन हॉल में तमाम हफ्सा को बुलाकर दुआ का एहतमाम किया गया और कुरान खानी आयत करीमा का इंतजाम भी किया गया है। मैं मीडिया के जरिए तमाम मदरसे के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं और ये जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब की जेर निगरानी ये तमाम इंतजाम किए गए हैं और इस महफिल में तालाब चंचलम के कारपोरेटर समीना बेगम साहिबा और मुगलपुरा कारपोरेटर नसीन सुल्ताना साहिबा भी तशरीफ लाए थे और तालाब कट्टे के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव मेंबर्स मेहमान मंजिल भी मौजूद थे। मैं तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे गुजारिश करता हूं कि 4 तारीख तक मुसलसिल दुआओं का इंतजाम कीजिए और हैदराबाद की सीट भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब होने के लिए तमाम अपने घरों में दुआ कीजिए। शुक्रिया। चलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सदर इफ्तदाई मजलिस मोइन कंस्ट्रक्शन मेरी जानिब से आज शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टे में मदरसे के तालाब कट्टे के जितने भी दीनी मदरसे तमाम बच्चों को बुला के यहाँ पर आयत करीमा और कुरान खानी का दस्तर बिछाया गया। ये दस्तर बिछाने का मकसद ये एक ही था, हमारे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हैदराबाद की एमपी सीट से शानदार कामयाबी होने के लिए हम लोग ने आज शाहजहां फंक्शन हॉल में तमाम हफ्सा को बुलाकर दुआ का एहतमाम किया गया और कुरान खानी आयत करीमा का इंतजाम भी किया गया है। मैं मीडिया के जरिए तमाम मदरसे के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं और ये जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब की जेर निगरानी ये तमाम इंतजाम किए गए हैं और इस महफिल में तालाब चंचलम के कारपोरेटर समीना बेगम साहिबा और मुगलपुरा कारपोरेटर नसीन सुल्ताना साहिबा भी तशरीफ लाए थे और तालाब कट्टे के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव मेंबर्स मेहमान मंजिल भी मौजूद थे। मैं तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे गुजारिश करता हूं कि 4 तारीख तक मुसलसिल दुआओं का इंतजाम कीजिए और हैदराबाद की सीट भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब होने के लिए तमाम अपने घरों में दुआ कीजिए। शुक्रिया। Gracias.
ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
کامیابی عطا فرما، ان کے والد بزرگوار کی خدمت کے وسیلے سے کامیابی عطا فرما، ان کے دادا جان
अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के वसीले से इलाह आलमीन उन्हें कुव्वत अता फरमा, ताकत अता फरमा, मजीद हौसला अता फरमा। जालिमों से जो मुकाबला करने की उन्हें उन्हें सलाहियत दी है तो मजलूमों की मदद के लिए उनका इंतखाब फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम मौला तमाम मजलिस के कायदीन को कामयाबी अता फरमा। इलाह आलमीन के खुसूस इम्तियाज जलील साहब को कामयाबी अता फरमा। इलाह आलमीन अख्तरुल ईमान साहब को कामयाबी अता फरमा। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जितने कायदीन की तारीफ की है उन तमाम को कामयाबी अता फरमा। हमारे मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान को जालिमों के इख्तदार से महफूज फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम मखलूक के और हमारे हम कौमी तमाम बिरादरान के लिए जो बेहतर इलाहाबाद मौला हुकूमत हो सकती है अपने फौल करम से सरफराज फरमा। जिन्होंने इलाहाबाद तेरे शरीयत के कवानीन में मुदाखलत करने की कोशिशें की हैं, साजिशें की हैं, परवरदिगार उनको नाकामी का मुंह दिखा दे। परवरदिगार उनको उनकी साजिशों को का खातिमा फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम मौला हिंदुस्तान के तमाम रहने बसने वालों के अंदर अमन और सुकून और मोहब्बत अता फरमा। इलाहाबाद हमारे कायदे मुहतरम की क़यादत को मजबूती अता फरमा। जितने मजलिस के कायदीन और रुफका हैं जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए खिदमत की है और मेहनत की है, परवरदिगार उन तमाम की मेहनतों को कबूल फरमा और उन तमाम को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती व आफियत अता फरमा। इलाहाबाद बिलखसूस हमारे कायद हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती व आफियत अता फरमा, अशरार की शरारतों से उनकी हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार आलम मौला उनको अपने फजल व करम से इलाह आलमीन बेहतरीन सेहत और सेहत व आफियत के साथ दराज उम्र अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम मौला हमारी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी अनहार सैयद अहमद पाशा काजी साहब चुल्ला मुत्तज़िल्लाहु अलैह को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती व आफियत अता फरमा। इलाह आलमीन मौला वो सेहत के जिस मंजिल से गुजर रहे हैं परवरदिगार आलम मौला उनको सेहत में कामयाबी अता फरमा, बदन में कुव्वत अता फरमा, ताकत अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम मौला जो कुछ तकलीफ है अपने फजल व करम से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीदों के वसीले से उन तमाम तकलीफों को बीमारियों को दूर दफा फरमा, सेहत व आफियत के साथ दराज उम्र अता फरमा। उनकी क़यादत को हमारे ऊपर इलाह आलमीन मौला सलामत फरमा, दराज फरमा। ऐ परवरदिगार आलम मौला ये जो मासूम बच्चे तेरे दीन की खिदमत के लिए दीन इस्लाम के हिफाजत के लिए दीन इस्लाम की शरीयत को सीखने के लिए इलाह आलमीन इन्होंने जो अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया है इलाह